क्या आपके पास एटीएम कार्ड है और आपको नहीं पता है कि हम एक दिन में एटीएम कार्ड से मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने पैसे निकाल सकते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए हैं। अभी के टाइम में हर इंसान के पास जो है अकाउंट होता है, वो घर में पैसे तो नहीं रखते हैं बट अकाउंट में ज़रूर रखते हैं, तो उसको जो है पता ही नहीं होता है कि हम एटीएम कार्ड से कितने एक दिन में पैसे निकाल सकते हैं। सोगाज मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही साथ में आपको क्या करना है, इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करते ही उसको क्या करना है, ऑल कर देना है। ऑल करने से ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो मेरा जो वीडियो बिना कहीं रुके डायरेक्ट आप तक पहुँचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस करिए, वीडियो से इंजॉय कीजिए। मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूँ कि किस तरीके से ये आप चेक करेंगे। आपके पास एटीएम कार्ड है और आपको नहीं पता है कि आपके एटीएम कार्ड का कितना लिमिट है एक दिन में, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताया हूँ जिससे आप बहुत ही इजी तरीके से ये सीख पाएंगे बिना दुकान में जाए, बिना साइबर कैफे में जाए या बिना बैंक के चक्कर लगाए। अगर आप जो है यही काम करवाने के लिए दुकान वाले के पास या साइबर कैफे में जाइएगा तो वहाँ पर जो भैया आपको 50 रुपये ले लेगा, या आप जो है बैंक में जाइएगा तो अभी के टाइम बहुत भीड़ भाड़ रहता है बैंक में, वहाँ पर जाने के बाद आपको लंबे लंबे लाइन लगाना पड़ेगा, या मैनेजर के पास जाइएगा तो वहाँ पर पता नहीं कि आज करेगा या एक हफ्ता के बाद बोलेगा, तो वो भी आपको हरासमेंट हो जाएगा। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताया हूँ जिससे आप बहुत ही इजी तरीके से आप मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। आप जो है बिना कहीं भाग दौड़ किए घर बैठे आप ये काम कर सकते हैं। तो आपको जो है सीखने के लिए क्या करना है, इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखना होगा, तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे किस तरीके से ये चेक करेंगे कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो उसका जो है मिनिमम लिमिट कितना है पर डे एक दिन में और मैक्सिमम लिमिट कितना है पर डे एक दिन में, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, अगर आप बैंक में जाते हैं, अगर आप जो है एटीएम मशीन पर जाते हैं और आपको पता ही नहीं होता है कि कितने पैसे हम एक दिन में निकाले, तो आपको जो है ये वीडियो देखने के बाद वो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके एटीएम का कितना लिमिट है उसको आप कैसे चेक करेंगे घर बैठे, आपको पता ही नहीं होता है कि आपके पास जो एटीएम है उसका लिमिट कितना है, तो मैं आपको इस वीडियो में वो सारा कुछ क्लियर करने वाला हूं जिससे आप बहुत ही आसानी से ये समझ पाएंगे कि आपके एटीएम का कितना लिमिट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको डालना है SBI। इसमें SBI जैसे क्लिक करते हैं SBI वाले पे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ चुका है SBI। अब उसको इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पर्सनल बैंकिंग लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो है कंटिन्यू टू लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद यूजर नेम पासवर्ड या कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है, अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो रिफ्रेश कर लेंगे इस तरीके से, और जो भी कैप्चा आएगा आपको कैप्चा यहाँ पे डाल के यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले पे क्लिक करते ही आपके जो भी बैंक मोबाइल नंबर दिए है उस पर OTP जाएगा, यहाँ पे डाल के आपको सबमिट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपके सामने में कुछ इस तरीके से आपका इंटरनेट बैंकिंग ओपन होके आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके ATM में कितना जो लिमिट है वो आप कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ई सर्विस का ऑप्शन है, आपको इस पर जैसे कर्सर रखिएगा तो यहाँ पे ATM कार्ड सर्विस है, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए ATM कार्ड लिमिट चैनल और यूजिंग चेंज, तो आपको यहाँ पे ATM कार्ड लिमिट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपका अकाउंट नंबर आ गया, कौन सा टाइप अकाउंट है वो आ गया और ब्रांच आ गया, तो यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए कि आपका जो है कार्ड नंबर आ गया, यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम आ गया और यहाँ पे कार्ड जो क्या है वो स्टेटस यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पे इस वाले पे आपको जो है कार्ड नंबर वाले जो है यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते यहाँ पे देखिए कि आपका जो सिलेक्ट कार्ड हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए आपको सिलेक्ट सर्विस चूज करना है, तो यहाँ पे सर्विस वाले पे आपको कर्सर करना है। जैसे कर्सर रखते हैं तो यहाँ पे देखिए चेंज डेली लिमिट, यहाँ पे चेंज चैनल टाइप और यहाँ पे चेंज यूजिंग टाइप, तो आपको यहाँ पे चेंज डेली लिमिट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आप ATM का चाहते हैं या POS CNP का लिमिट चाहते हैं, जैसे मैं ATM का चाहता हूँ तो ATM लिमिट वाले पे आपको इस तरीके से टिक करना है। इसके बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करना है।
जैसे सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो है यहाँ पर करंट लिमिट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए योर करंट एटीएम लिमिट आपको यहाँ पर कितना है 20,000 और मैक्सिमम जो है लिमिट अलाउ जो है आपको 40,000 है। सो गाइस आप जो है यहाँ से बहुत ही ईजी तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपके एटीएम का कितना लिमिट है पर डे, आपको पर डे जो है इतना आप जो है अपने एटीएम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि आपको करंट लिमिट जो है इतना और मैक्सिमम जो है आप यहाँ 40,000 तक आप जो है निकाल सकते हैं। सो गाइस आप जो है बहुत ही इजी तरीका से घर बैठे ये चेक कर सकते हैं कि आपके एटीएम का कितना लिमिट है, वो भी पर डे। आप यहाँ पर देखिए करंट लिमिट है, यहाँ पर आपका मैक्सिमम लिमिट है। अब जो है आपको कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे जो है एटीएम का कितना लिमिट है। आपको ब्रांच में भी जाके वहाँ पर लंबे मिल लाइन लगा के वहाँ पे जो है मैनेजर से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो आप ये तरीका अपनाने के बाद जो है अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। सो गाइस अब तो आप सीख ही लिया होगा कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आपके एटीएम कार्ड के मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट पर डे कितना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।